अगर आप भी एक फेसबुक क्रिएटर हैं और भैया वीडियो पब्लिक करते हैं अपने फेसबुक पेज प्रोफाइल कहीं पे भी, तो आपके लिए वीडियो देखना समझना बहुत ज़रूरी है, चाहे आपकी लॉन्ग वीडियो हो चाहे आपकी शॉर्ट वीडियो, दोनों ही केस में और नए पुराने सभी यूजर्स के लिए और सभी क्रिएटर्स के लिए। देखो अभी क्या आपको पता है कि फेसबुक अभी यहाँ पे भैया सबको भर भर के पैसा दे रहा है, और आई थिंक सबको पता है कि फेसबुक जो है मल्टीपल तरीके से, जैसे आपका एड्स ऑन रील्स है, स्टार्स का स्टार बोनस है और रील्स प्ले बोनस है, इस तरीके से मल्टीपल माध्यम से एक फिक्स टाइम पीरियड में आपको देता है और बोलता है इतने टाइम के अंदर इतने आपने कंप्लीट कर लिए नंबर ऑफ प्लेस तो आपको इतने डॉलर मिल जाएगा, जिसको है $1200। और $1200 की जगह पे कई लोगों को आपको पता होगा कि $35,000 तक का भी रेवेन्यू का एक ऑफर आया था। सो गाइस अब बात यहाँ पे आती है कि क्या ये जो $1200 है वो अकाउंट में आएगा या नहीं आएगा। तो आज मेरे पास एक लाइव केस है, लाइव प्रूफ है, आपको दिखाऊंगा कि $1200 उन्होंने जनरेट कर लिया कुछ दिन में, लाइक मान लो 2 दिन 4 दिन 5 दिन में 6 7 दिन में, लेकिन उनकी पेमेंट आई ही नहीं। अब आप सोच रहे हो पेमेंट क्यों नहीं आई, क्योंकि भैया सब कुछ तो उन्होंने कंप्लीट किया था। तो गाइस अभी देखो लाइव प्रूफ दिखाऊंगा तो आप देखोगे उनका पेमेंट फेल्ड हो गया, पेमेंट आया ही नहीं। अब इसके रीजंस क्या है, इसके बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। पेमेंट आपके अकाउंट में ना आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वो कारण तो भैया उनसे बात करके ही पता चलेगा, बट ये प्रॉब्लम आई तो मुझे लगा भैया आपको ये बताना ज़रूरी है कि आखिर में अगर आपके पास भी बोनस आया हुआ है तो आई थिंक आपको भी ये बोनस ना मिले। और बोनस क्यों नहीं मिलेगा उसके भी रीजन से आप पूरी कंप्लीट वीडियो देखो। तो पहले आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ, पहले स्टेप बाय स्टेप पूरे लाइव प्रूफ इसको समझो कि प्रॉब्लम्स आई क्यों, आप उस चीज़ को देखो। जैसे आप देखोगे यहाँ पे, और थैंक यू सो मच इन सर का, ऑलमोस्ट 7 से 8 लाख इनके फॉलोवर्स हैं इनके पेज के ऊपर, और इन्होंने अपनी एक इतनी बड़ी अमानत मुझे सौंपी हुई है और ये ट्रस्ट सब चीज़ें बरकरार रहती है। लेकिन आपको ये बता दूँ यहाँ पे ये बात ध्यान रखना कि भैया मैं किसी का भी आईडी पासवर्ड बिना वीडियो कॉल के एक्सेप्ट नहीं करता, ये बात मैं क्लियर बोल रहा हूँ। मेरी जगह पे कोई अगर नाम लेके बोले और आपसे आईडी पासवर्ड मांगे तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी, ये आपको समझ के रहना यहाँ। तो देखिए जैसे आप देखोगे यहाँ पे ये बोनस का ऑप्शन, इनका रील्स के लिए बोनस है, और इनका जो बोनस है आप देखोगे यहाँ पे $1200 में से $1200 इन्होंने जनरेट कर लिए, राइट, 1200 में इनके मैक्सिमम थे और 1200 इन्होंने जनरेट कर लिए। नंबर ऑफ प्लेस देखोगे 36,68,529, यानी कि इन्होंने इतने में इतना अमाउंट इन्होंने जनरेट कर लिया। अब बात करते हैं यहाँ पे इनका जो टाइम पीरियड था वो एंड डेट था 17 नवंबर 2022, यानी इनको ये मिला रहा होगा 17 अक्टूबर को, 17 अक्टूबर से 17 नवंबर का इनका टाइम पीरियड था शुरुआत हुआ। और आई थिंक आपने देखा भी होगा इसी तरीके से आता आपका एक टाइम पीरियड शुरू, जिस दिन से शुरू हुआ और जब आपका एंड डेट है वो दोनों चीज़ें दिखाएगा, उस टाइम पीरियड के अंदर इसको आपको कंप्लीट करना है। और हालांकि इसके ऊपर बहुत फुल डिटेल्स में वीडियो बनाई है मैंने, आई बटन में देख सकते हो क्या होता है एंड डेट, पैसा कैसे आता है, लोग बहुत पूछते हैं सर पैसा कैसे आता है, ये पैसा कैसे मिलेगा, तो भैया उसके लिए आई बटन में वीडियो है उनको देखो समझो कि फेसबुक पैसा आपको कैसे देता है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि इतना ही नहीं, चलो इन्होंने पैसा जनरेट कर लिया सब चीज़ हो गया, तो इनका ये जो पे आउट ऑप्शन है ये जो आप नीचे नोटिस करोगे ये रहा पे आउट, ये पे आउट के ऊपर क्लिक करते मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है। सो अब आप देखो सबसे खास बात, आप यहाँ पे नोटिस करोगे जो इनका पे आउट है, जो इनका पे आउट आप देखोगे ये पे आउट इनका देखो लिखा आ रहा है फेल्ड, ये देखिए यहाँ पे इनका जो पे आउट है ये फेल्ड आ रहा है, जिसमें यहाँ पे मेंशन है देयर्स एन इशू विद योर पे आउट मेथड टू रिसीव योर अर्निंग्स अपडेट योर पे आउट मेथड, यानी बोल रहा है कि भैया आपके पे आउट मेथड में कुछ समस्या है जिसकी वजह से आपका पेमेंट नहीं जा रहा है और वो पे आउट फेल्ड हो चुका है। अब एक बात ध्यान रखिए कि मल्टीपल अटैम्प्ट अगर आप करोगे, अगर मल्टीपल आप चेंजेस करोगे, बहुत सारे ऐसे बदलाव करते रहोगे तो आपका पे आउट डिसेबल भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि फेसबुक को लगता है कि आप कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है आपके पे आउट के साथ में, जो कि देखो यहाँ पे ये चीज़ आपके सामने है। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि भैया आखिर में ये पेमेंट जो है फेल्ड क्यों हुई, ये देखो आप देखो यहाँ पे प्रॉपर देखो पेमेंट इनका $1200 था, ये देखिए ये फेल्ड हो गया, नोटिस करोगे यहाँ पे देखो ये पेमेंट इनका आप अगर देखोगे यहाँ पे ये पेमेंट यहाँ से इनका देखो निकला, ये देखो 22 नवंबर को इनका भेजा गया, देखो 1 अगस्त से लेके 31 अक्टूबर तक का इनका ये रेवेन्यू था और इनका 70 नवंबर का इनका लास्ट डेट था जो प्रोसीड कर दिया गया, और उसके बाद यहाँ पे देखो ये फेल्ड हो गया, ठीक है। और देखो यहाँ पे लिखा भी आ रहा है कि यू डिड नॉट रिसीव द पे आउट बिकॉज इशू विद योर पे आउट मेथड टू गेट पेड, और ये अपडेट करो इसको अपने अकाउंट को। और साथ ही आप यहाँ पे देखोगे आपका जो रेवेन्यू के सोर्सेज हैं, कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे हाइड भी मिल रही होंगी रीज़न कि वो सिक्योरिटी पर्पस, आप यहाँ पे देखोगे प्रॉपर ये $1200 जो है आपका फेसबुक रील्स के लिए बोनस प्रोग्राम का ही है।
तो ये भैया अब यहाँ से ये बदलाव करें तो करें कैसे, क्या करें इस चीज़ के लिए, तो किस वजह से ये सब चीज़ें हुई होंगी? आप यहाँ पे देखोगे आपके पास में यहाँ पे अपडेट पे आउट मेथड है, तो आपको क्या करना है, अपडेट पे आउट मेथड पे क्लिक करना है और यहाँ पे भी आपको कुछ चीज़ें हाइड मिलेंगी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ नोटिस भी करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे टैक्स आईडी वेरिफिकेशन वगैरह सब देखो कंप्लीट है, हर एक चीज़ कंप्लीट है, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ इसमें पेंडिंग है, बिकॉज ये टैक्स आईडी था ये भी मैंने डन कर दिया था, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मैंने इसमें कंप्लीट कर दिया था। बट ये जो पे आउट है ये पे आउट यूज़र के जरिए डाला गया था, यानी कि ये पे आउट का सेटअप मैंने नहीं किया था, ये पे आउट का सेटअप यूजर्स ने किया था जिनका ये अकाउंट है। तो मे बी अब आपके दिमाग में देखो, ये तो आपको समझ में आ गया कि आपका पेमेंट नहीं आएगा, रियल अब आपको यहाँ से ये जो रील्स प्ले बोनस है आपको ये क्लियर हो गया कि भैया ये आपको अकाउंट में नहीं मिलने वाला। रीज़न जो आपको मैंने बताया कि यहाँ पे आपका पेमेंट मेथड ही कुछ और है, अब उसमें क्या क्या हो सकता है उसको आप समझो। देखो पे आउट मेथड्स के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स, अगर आपके पे आउट सही नहीं होगा तो आपका पेमेंट नहीं आएगा, किसी कीमत पर नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखिए। पहली बात, हो सकता है कि आपने जो पे आउट के अंदर जो डिटेल्स डाली हो वो गलत हो, मैच नहीं करती हो एज़ पर आपके जो आपका जो बिज़नेस प्रोफाइल है और जो आपने डिटेल्स डाली हैं वो, पहली बात। दूसरी बात, हो सकता है कि आपने जो बैंक इन्फॉर्मेशन डाला हो वो मिस्टेक हो, गलत हो कुछ नंबर्स, कई बार होता है जल्दीबाजी में हड़बड़ी में हम अकाउंट नंबर डाले थे, आपको पता है कि भैया अच्छा मेरा पैसा तो भैया किसी और खाते में चला गया, और रीज़न क्या होता है, अकाउंट नंबर वगैरह मिस्टेक हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें। नंबर तीन, हो सकता है सबसे बड़ा खास पॉइंट यहाँ पे हो सकता है कि भैया जो आपने स्विफ्ट कोड लिया वो कहीं से भी आपने उठाया, देखा अच्छा दिल्ली के अंदर ये वाला ब्रांच है तो इसका स्विफ्ट कोड क्या है, तो यार एक बात बताओ, जो वो स्विफ्ट कोड अपडेट होते हैं कोई ऑफिशियल वेबसाइट थोड़ी होती है, यानी ICICI बैंक, HDFC बैंक या SBI बैंक, कोई पर्टिकुलर बैंक ने थोड़ी अपडेट किया है, वो पर्टिकुलर किसी ने किसी साइट पर पढ़ा, जैसे bankbazaar.com या ऐसे बहुत सारी साइट्स होती हैं जहाँ जहाँ पढ़ा होता है, तो आप वहाँ से क्यों ले रहे हो, वो भी तो किसी यूज़र ने ही अपडेट किया है ना यार, वो भी किसी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट उठा के डाल रखा है, क्या श्योरिटी है कि वो ऑफिशियल आपका स्विफ्ट कोड है? तो आप स्विफ्ट कोड बिल्कुल मत लो ऑनलाइन स्विफ्ट कोड तो आपको लेना ही नहीं। देखो किस्मत की बात है भैया, किसी ने डाला उसका, लकली वो चल गया उसका, बट पर्सनली आई सजेस्ट यू जब भी स्विफ्ट कोड डालें अपने होम ब्रांच में विजिट करो, जाओ भैया बैंक में, मैनेजर से बात करो, और एक ये बैंक के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट जाके, जैसे होता है ना लोन डिपार्टमेंट, ये भैया डिपॉजिट वाला डिपार्टमेंट है, ये कैश विड्रॉल वाला डिपार्टमेंट है, ऐसे होता है ना सारे, तो ऐसे एक फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट होता है। अब आपके दिमाग में चल रहा हो कि भैया हम तो गाँव से हैं और गाँव में ये सब तो समझदार, ये समस्या ही होती है बहुत सारी, ये तो ऐसा कोई तो मैनेजर को भी नाम नहीं पता होता, ये कौन सी चीज़ है? तो आपको क्या करना है, देखो बड़ा सिंपल सा, अगर गाँव से हैं आप ना तो गांव में आप जाइए, अपने मैनेजर को ये बोलना है कि सर मेरा YouTube का या Facebook का मेरा एक पेमेंट आना जो बाहर है वो डॉलर्स में, उसके लिए एक स्विफ्ट कोड की ज़रूरत होती है। आप अपने जो हायर अथॉरिटी है जहाँ से उनका एक मेन ब्रांच, क्योंकि कई ब्रांच को एक मेन ब्रांच हैंडल करता है, आप अपने मेन ब्रांच पे पता कर लीजिए और बता दीजिए वहाँ से, क्योंकि मैनेजर टू मैनेजर भैया कॉन्टैक्ट लिंक होते हैं, वो बता सकते हैं आपको, तो रिक्वेस्ट कीजिए उनसे वो मिल जाएगा आपको। बट आई रिक्वेस्ट यू कि आप ऐसे कहीं से मत डालो, अन्यथा देखो ये हाल होगा, ठीक है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और हो सकता है कि आपके जो टैक्स आईडी आपने डाली हो उसमें, देखो टैक्स आईडी तो बिल्कुल प्रॉपर, अगर आप कहीं मिस्टेक करोगे तो वो टैक्स आईडी वेरीफाइड ही नहीं होगा, पहली चीज़, क्योंकि वो पैन कार्ड से ही वेरीफाई होता है। तो यानी कि ऑल ओवर देखा जाए तो आपका पेमेंट जो पे आउट है वही गड़बड़ है, अगर पे आउट ठीक नहीं होगा तो आपका पेमेंट रिलीज नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता कि सबकी पेमेंट रिलीज नहीं होगी, बहुत सारे लोगों के बोनस निकल भी चुके हैं, बहुत सारे लोगों को बोनस मिल चुके हैं, उनके अकाउंट्स में क्रेडिट हो चुका है, बट पे आउट आपको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। सो गाइज ये थे कुछ अपडेट्स रील्स प्ले बोनस प्रोग्राम $1200 को लेकर, आई होप कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपका भी पे आउट गलत है भैया चेक कर लो, अगर आप चाहते हैं कोई भी इशू है, कोई कन्फ्यूजन, कोई कंसल्टेंट चाहते हैं, सो यू कैन विजिट माई ऑफिशियल वेबसाइट www.techrajman.com, जहाँ से डायरेक्टली आप अपॉइंटमेंट बुक कर लो और आपका कंसल्टेंट भी मिल जाएगा आपको, और आपकी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन बस ये ध्यान रखिएगा, कोई भी काम 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे को, सो डेफिनेटली आई विल डू विदाउट एनी चार्ज, बट अगर टाइम टेकिंग हुई तो वो मेरी पेड सर्विसेज होगी, जो एवरीथिंग मेंशन ऑन माय वेबसाइट एंड माय फेसबुक पेज। सो गाइस बस फिलहाल इतना ही, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय एंड टेक केयर।